1961 में रिलीज भइल पहला भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई से शुरू भइल भोजपुरी फिल्म के सफर लंबा संघर्ष के बाद आज एक खास मुकाम हासिल कर चुकल बा। यही वजह है कि बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म के असफल और निराश कलाकार खातिर भोजपुरी फिल्म उद्योग सफलता के देसी फॉर्मूला बनकर उभरल बा। भोजपुरी फिल्म के कारोबार आज हिंदी फिल्म के चुनौती दे रहल बा। भोजपुरी भाषा में बनल फिल्म अब द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स और कई विदेशी अवार्ड समारोह में प्रीमियर कल जाई। ये फिल्म देश भर के सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर में एक बार फिर से जिंदा कर दे लेबा। लेकिन एक दौर ऐसा भी रहे जब भोजपुरी फिल्म में काम करे के कई सफल कलाकार लो स्टेटस के काम समझत रहे। दौर बदलल और भोजपुरी फिल्म के बाजार भी भोजपुरी सिनेमा के जनता के बीच बढ़त लोकप्रियता के अंदाजा यही से लगायल जा सकता कि अब भोजपुरी फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, जितेंद्र से लेकर हर छोटा बड़ा अभिनेता, गायक, निर्माता, निर्देशक और कॉमेडियन शान से काम कर रहल बाड़े। भोजपुरी फिल्म उद्योग सबसे ज्यादा फायदा उ अभिनेत्री के पहुंचौले बा जो हिंदी फिल्म के शुरुआती दौर से ही अचानक लाइमलाइट से बाहर हो गई। करियर के खत्म हो देख ए अभिनेत्री भोजपुरी सिनेमा के रुख कर ले ली और ए देसी सिनेमा इनके करियर के एक नया जीवन दान देलक। इनमें भूमिका चावला, नीतू चंद्रा, ऋषिता भट्ट, श्वेता तिवारी, संभावना सेठ, भाग्यश्री, रश्मि देसाई, नगमा पाखी हेगड़े, मोनालिसा, रिंकू घोष, रंबा अनारा गुप्ता, लवी रोहतगी और प्रीति झंगियानी आदि के नाम प्रमुख बा। इनके करियर खातिर भोजपुरी फिल्म सफलता के देसी फॉर्मूला बनकर उभरल। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से ममता की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें।